सो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सब ठीक है। मेरा नाम है किशन, आप देख रहे हो एचसीएल गेमिंग। आज एक अल्टीमेट, आज क्या डेली अल्टीमेट पीसी बना ही रहे हैं, एक और पीसी बना है। हालांकि सॉरी, काफी दिनों से वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफी वर्कलोड था इंस्टाग्राम में। यार अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम में भी काफी अच्छे अच्छे वीडियोज मैंने पोस्ट किए। तो आज एक कस्टमर को एक हाई प्रोसेसिंग के साथ में एक पीसी चाहिए था। हालांकि अभी ग्राफिक कार्ड उनको थोड़ा बजट कम था, इसीलिए 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड लिया है। काफी अल्टीमेट पीसी है, 1,40,000 के बजट के अंदर ये पीसी बिल्ड हुआ है। अभी ये भी कमेंट आएंगे, यार क्या 1,40,000 लगाकर आपने 4060 का साथ में बिल्ड किया। हालांकि कस्टमर को ग्राफिक कार्ड की नीड ही नहीं थी, टाइम बीन के लिए उन्होंने ये ग्राफिक कार्ड लिया है। चलो पहले आपको इस पीसी का लुक दिखाता हूँ कैसे है। सो फ्रेंड्स, प्रोसेसर जो है इंटेल की तरफ से आने वाला 13700K सीरीज का प्रोसेसर यूज किया है। K सीरीज प्रोसेसर मोर देन एनफ था कस्टमर के यूज के लिए। हालांकि रैम सर को 64 या 128GB तक रैम अपग्रेड करना था, अभी सर 32GB रैम ले रहे हैं, इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड करेंगे। इंटेल कोर i7 13700K एक बीस्ट प्रोसेसर बोल सकते हैं। 14700K भी ले सकते थे, लेकिन कस्टमर ने बोला यार मुझे 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना, तो उन्होंने ये 13700K लिया। लेकिन मदरबोर्ड काफी अच्छा वाला मदरबोर्ड लिया है, Z790 ROG सीरीज का। Asus की तरफ से आने वाला ROG Strix Z790H गेमिंग सीरीज का ये मदरबोर्ड काफी अच्छा मदरबोर्ड है, जिसके अंदर 4-4 रैम स्लॉट रहते हैं, अप टू 192GB तक रैम सपोर्ट करता है। 13-14 जनरेशन के सभी प्रोसेसर इसके अंदर आराम से सपोर्ट करता है। इवन अगर आपका 12 जनरेशन है तो भी ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। और Asus काफी नामी काफी है, इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। केस हमने यूज किया थर्मलटेक की तरफ से आने वाला 300 सीरीज का केस है, काफी अच्छा केस है। फ्रंट के अंदर 2 200mm के फैन है और इसके अंदर जो ये मेश दिया हुआ है ये इंटेक के लिए है, और टेम्पर्ड ग्लास रहने की वजह से इसकी लुकिंग भी काफी अच्छी है। बैक एक एग्जॉस्ट RGB वाला फैन रहता है, टॉप में आप 360mm का लिक्विड कूलर भी लगा सकते हैं। रैम कस्टमर ने 32GB की 2 स्टिक लेने की सोचा, लेकिन यार बजट 140 के ऊपर नहीं जाना था, इसीलिए अभी एक सिंगल 32GB लिया। इन अपकमिंग डेज के अंदर एक और 32GB लेंगे। मेन स्टोरेज आप 1TB का XPG की तरफ से आने वाली Gen 4 SSD जो 7400mbps के अंदर रहती है, और काफी अच्छी SSD इन्होंने ये ली है। इसके अलावा भाई इस प्रोसेसर को कूल करने के लिए LS720SE सीरीज का लिक्विड कूलर लिया है, जो डीप कूल की तरफ से आने वाला 360mm लिक्विड कूलर है। और इसके अंदर जो इन्फिनिटी डिस्प्ले मिरर जो रहता है वो काफी एक यूनिक लुक दिखाता है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसके अलावा अगर आप देखते हो ग्राफिक कार्ड 4060, जिस कस्टमर का बजट कम है, जिनको ज्यादा जरूरत ही नहीं है, 8GB VRAM मोर देन एनफ है, एक डिस्प्ले एडाप्टर के हिसाब से 4060 मोर देन एनफ है। RTX सीरीज है, जिससे आपको DLSS 3 एनकोडिंग डीकोडिंग सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। ये जितना प्राइस पे है उतना वर्क करता है। अभी फाइनली आते हैं पावर सप्लाई हमने यूज किया डीप कूल की तरफ से आने वाला DQ750 रोल रेटेड फुल्ली मॉड्यूलर है। ये पीसी एक बेस्ट पीसी है, जिनका स्टैंडर्ड एडिटिंग है हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए उनके लिए, बेस्ट पीसी हम बोल सकते हैं। अगर आपको भी ये पीसी खरीदना है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, आप सुपर कंप्यूटर लैपटॉप SP रोड और SCL गेमिंग बनशंकरी दोनों जगह कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस रहेगा, बेस्ट टू बेस्ट ऑफर रहेगा। अभी ऑफर के अंदर सर को एक छोटा सा आइटम जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ये हेडसेट भी फ्री मिला है। अगर आप भी आते हो स्टोर पे, कुछ ना कुछ आइटम आपको भी फ्री मिलेगा। तो भाई वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टा पे देख रहे हो तो भाई फॉलो जरूर करना।